खुशहाल वैवाहिक जीवन के बारे में आज बातचीत करते हैं, हाउ टू बी हैप्पी इन मैरिड लाइफ। क्या है कि मैरिज ये दोनों मिलके खेलने वाला खेल है, एक गेम है मैरिड लाइफ, और ये दो मिलके खेला जाता है। इसमें एक ने गेम खेल के होता नहीं, एक ने जिम्मेदारी लेके होती नहीं। तो मैं जो भी कुछ बोलूंगा वो दोनों के लिए लागू है। तो ये आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या होता है कि शादी के बाद में पहले एक साल जो है वो अच्छे बीत जाते हैं, और बाद में फिर एक्चुअली एक दूसरे को पहचानना चालू हो जाता है, और फिर उसमें आनाकानी, अनबन, कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म, फिर वो चालू हो जाता है। तो ये सब टालने के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए जिससे खुशहाली आएंगे, तो उसमें कुछ पॉइंट बता रहा हूं। क्या है कि हर एक को लगता है कि मैं, पत्नी को लगता है कि पति के ऊपर प्यार है, पत्नी को लगता है पति के ऊपर प्यार है, मगर बोलते नहीं है, हमारे कल्चर में ऐसा बोलना नहीं है। तो हरदम ये मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू, ये बोलना जरूरी है। हम बोलते नहीं, प्यार तो है ना, ये क्या बोलने की बात है, नहीं बोलना ही पड़ता है। अमेरिका में यदि आई लव यू बोला नहीं हस्बैंड ने, तो दूसरे दिन अपनी बैग उठा के वाइफ निकल जाएगी। तो आई लव यू बोलना ही पड़ता है, वो बोले बिना सामने वाले को क्या समझेगा। तो आई लव यू ये नॉर्मली बोलना चाहिए। एक दूसरे को सवाल मत पूछो, जैसा कभी वाइफ जाती है हस्बैंड के पास में सवाल लेके, अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, बहुत कॉमन सवाल है, शाम को कौन सी सब्जी बनाऊं, बच्चों को अभी ऐसा करना है तो उनके लिए क्या करूं, मतलब तो छोटे से सवाल हस्बैंड ने भी नहीं पूछना चाहिए वाइफ को, और वाइफ ने भी नहीं पूछना चाहिए हस्बैंड को। सवाल मत पूछो, सॉल्यूशंस निकालो और सॉल्यूशंस शेयर करो, ताकि अनबनें होंगी और सब लोग मजे में रहेंगे। नेक्स्ट, गलतियां मत निकालो। देखो, गलती हर आदमी कर सकता है, तो गलती निकालना नहीं है। गलती होती है तो ठीक है, उसको एक्नॉलेज करो कि गलती है, उसकी नोन ले लो, रजिस्टर कर लो उसको कि गलती है, ठीक है। अब अच्छा क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करो, बार 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 तुमने ये गलती किया, तुमने वो गलती किया, तुमने वो गलती किया, कुछ निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है, जो हुआ वो हुआ, अभी क्या करना है। फिर साथ में जब बैठते हैं तो पॉजिटिव मेमोरीज निकालो और उसके बारे में चर्चा करो, रादर देन निगेटिव्स। एक साल पहले तुम्हारे पिताजी ने या तुम्हारे माँ ने या तुम्हारे मौसी ने ऐसा बोला था, वैसा कुछ नहीं बोलने का है, जो हुआ वो हुआ है। तो जो निगेटिव है मत निकालो, पॉजिटिव निकालो, उसको एंजॉय करो। क्या होता है कि बच्चा होने के बाद में हर माँ पत्नी होकर के भूल जाती हूँ, तो अपने हस्बैंड को, या बच्चा होने के बाद में या बाप बनने के बाद में अपन हस्बैंड है, ये हस्बैंड भूल जाता है। तो दोनों ने एक दूसरे को केयर लेना चाहिए, बच्चे हो गए तो ठीक है, मगर केयर लेना और भूल नहीं जाना कि मैं हस्बैंड और पत्नी हूँ या वाइफ हूँ करके, तो वो दिमाग में रखना है और एक दूसरे की केयर करना बहुत जरूरी है। फिर दोनों साथ मिलकर यदि लक्ष्य डिसाइड करते हैं कि गोल्स क्या है अपने आने वाले साल में, तो क्या है कि लोग दोनों एक तरफ ही जा रहे हैं। नहीं तो होता क्या है कि अभी हस्बैंड ने अपना गोल ठहरा हुआ है कि मुझे बिजनेस में ब्रेक थ्रू क्रॉस करना है, बिजनेस मुझे डबल करना है साल में, तो उसके दिमाग में प्रायोरिटी है नंबर एक बिजनेस, और वाइफ के दिमाग में प्रायोरिटी है बच्चे, तो फिर झंझट होती है। तो दोनों ही मिलके प्रायोरिटी डिसाइड करना है, और समझो वाइफ नहीं बोलती है बिजनेस के लिए, तो उसको उसमें पटाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि बिजनेस कैसा जरूरी है और वो प्रायोरिटी कैसी होना चाहिए, या फिर बच्चे प्रायोरिटी, तो वैसा तो उन्होंने डिसाइड करना चाहिए कि बच्चे भी प्रायोरिटी है, जो भी है तो अपना लक्ष्य एक होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, कंप्लेंट्स नहीं करना है, कोई किसी की बात की कुछ भी कंप्लेंट नहीं करने का है। कंप्लेंट करने से क्या होता है कि हम जिम्मेदारी लेते नहीं है, तो हरदम जिम्मेदारी लो, दोष मत किसको दो, और वहां मैं क्या कृति कर सकता हूं या कर सकती हूं वो देखना है, कभी कंप्लेंट करना ही नहीं है। फिर क्या होता है कि एक दूसरे की दिखने की तारीफ करो। वाइफ हस्बैंड को बोलती कि ये ड्रेस में आप बहुत ही अच्छे दिखते हो, स्मार्ट दिखते हो, या पति अपने पत्नी को बोलता है कि तू बहुत ही स्मार्ट दिखती है, नई साड़ी है या नया ड्रेस है, बहुत ही बढ़िया, बहुत स्मार्ट दिख रही है, ऐसा। क्योंकि हर स्त्री जो है ना, वो बाहर निकलने के समय वो हस्बैंड को पूछती है अभी मैं इस साड़ी में कैसी दिखती हूँ, तो वो तारीफ करना चाहिए, और तारीफ किसी को भी अच्छी लगती है, भगवान को भी अच्छी लगती है। आप बिजी हो, ऑफिस में हो, अपने बिजनेस में हो, जहाँ भी हो, तो बीच में एक दो SMS कर रहे, एक दो व्हाट्सएप कर रहे, खाना खाए क्या, क्या कर रही है, ऐसा, तो मैं मिस कर रहा हूँ, आई लव यू, तो क्या होता है कि अपना महत्व जो सामने वाले के दिमाग में है ऐसा उसको लगता है,
को बहुत अच्छा लगता है कि अपने को कोई मिस कर रहा है या अपने को पूछ रहा है या अपने बारे में सोच रहा है तो। और आखिरी का पॉइंट, अपना जो ईगो है वो ईगो को आग लगा दो। शादी हमने काहे के लिए किया था? शादी हमने किया था एक तो पार्टनर चाहिए करके, शादी किया था कि अपना अपनी पीढ़ी अपने बच्चे होने के लिए और अपना जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए, शादी किया था एक इमोशनल सपोर्ट, शादी किया था कि एक सेक्सुअल फूक जो है वो पूरी करने के लिए, शादी किया था एक फैमिली बसाने के लिए, उद्देश्य वो है ना कि ईगो है। तो अपना ईगो जो है ना वो बाजू में रखो, ईगो में जो है आइडेंटिटी कि मैं मेरा, तो ये बाजू में रखेंगे तो झंझट झगड़ा कभी होगा ही नहीं। पत्नी ने भी मेरा ईगो कुछ नहीं है भाई, हस्बैंड ने मेरा ईगो कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए है, दोनों का ईगो बाजू में। शादी क्यों किया था बस वो सामने रखो, और वही सामने है पर्पस कि शादी क्यों किया था वो पूरा करो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।